गोर तो टूट गल तो का करिसन रोड तो टूट गोर रोड वही लेके टूट वाला गोर वही लेके टूटल अभी नंगुरी लेके भोगते बानिसन अब मुखिया सरपंच मरिए गल। आप लंबे समय से अगर बीमारियों से परेशान हैं तो एक बार संपर्क करें एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार से। मिलने का पता है अस्पताल रोड बैंक ऑफ इंडिया के नीचे बरहरिया। हारी चला का मारब सन ओ भाई लो नेता लो हम निकल लगा वोट मांगे तो हम तो सारी से मारब सन अब कोनो चले तो सारी से मारब सन छोड़ा सा ना अब काहे तो वोट ले ले तार सन हम के गोजनियो करता रे सन होय होय रोड न होय सारा रोड हुआ से सब गांव गांव के बन गल हम के गांव के रोड हिया रहले रह। नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक बड़हरिया के इनायत छपरा कन्हौली गांव में है जहां पर दलित की एक बस्ती है और ये सारे लोग श्रम दान करके ये सड़क को भर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में इतना ज़्यादा पानी लग जाता है कि चलना मुश्किल हो जाता है, इधर से आना जाना पूरी तरह से बंद हो जाता है और ये लोग श्रम दान करके इस सड़क को भर रहे हैं। देखिए कैसे ये सारे लोग कोड़ रहे हैं और कोड़ के सड़क को बना रहे हैं ताकि बारिश के दिनों में चलने में मुश्किल ना हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या अधिकारी पदाधिकारी या जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, क्यों आम जनता अपने मेहनत से इस सड़क को बना रही है जबकि जनप्रतिनिधि इस काम के लिए चुने ही जाते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले वार्ड सदस्य हैं। 20 साल पहले से आज़ादी के पहले से रोड है लेकिन रोड नहीं बन चुका। हमने 20 साल वार्ड थे जब ही मुखिया से कुछ कैसे कहते हैं तो रोड नहीं बनता है तो हम लोग मिलकर अपने हाथ से रोड को हमने भर रहे हैं। ये लग रहा है कि जेसीबी से कटा हुआ है, जेसीबी का पैसा आप लोग दिए हैं कि कोई नेता दिया? नहीं, चंदा जोड़कर हम पूरे दलित लोग दिए हैं, पूरे दलित चंदा जोड़ के दिए हैं। लास्ट में हम लोग हार गए, कोई अधिकारी नहीं पसंद किया तो हमने अपने से चंदा जोड़कर इस रोड को हम भरवा दिए। इससे पहले रोवैया जी के बनी? हाँ। कब से रोड खराब बा? अरे 50 बरस से रोड खराब बावे जानी। आ हेतना लुगा उठा के मरद मेहरारू पहले लिंगा होके जाता रहा पानी में तब ओकरा बाद से खाली और कुदारी उठाओ ले तो कुछ भर आई अभी गढ़ा रहा डाँड भर तो अब की बारी भर आई है चंदा जोड़ के सारा लोग भरवावल है। इतना परेशानी रहा मोटरसाइकिल लेके लोग गिर जाता मोटरसाइकिल पर से गिर जाता लोग गोड़ हाथ टूट जाता औरत जाता रिजर बहरी राती खा तो कनिक गोड़ पीछा से हाथ गोड़ टूट जाता आई सुनहाई होते नहीं क्या मुखिया शहर पर सुनहाई करता ही नहीं क्यों नहीं क्या कर रोबा यहीं पे गिरनी तो गोड़ टूट गई। हाँ हो जी गिरनी तो गोड़ टूट गई तो सब गाढ़ा रहल है तो हम नहीं खींच कमारे अपना होती चांदा जोड़ के आई सब को जैसी भी राह का माटी कटवा कर तो ये हाँ शादी बिया भोल तो साल बन सन तब से सोने रोड देखो तन से कोई निम रोड ना देख रहे खराब छोड़ कर निमन कोई नहीं देख रहे गोर तो टूट गल तो का करी सन रोड तो टूट गोर रोड वही लेके टूट वाला गोर वही लेके टूट अभी नंगुरी लेके भोगते बानी सन अब मुखिया सरपंच मरिए गल। मुखिया सरपंच और अधिकारी से कहनी ना कि रोड पर गोर पे गिरे भोट से भोट दिले बड़ू बस ये तो बात बा चुनाव के बाद वोट नहीं क्यों दे ना ये ना जीत जाता रह सन अब आइलो तो रुआ लोग क्या कह अब तो सरी धैले रह सन अब तो सरी से मारब सन अब कौनो चले तो सरी से मारब सन छोड़ा सा ना अब काहे तो वोट ले ले तार सन हम के गोजनियो करता रे सन होय होय रोड न होय सारा रोड हुआ से सब गांव गांव के बन गल हम के गांव के रोड हिया रहले रह गई। हारी चला के मारब सन ओ भाई लो नेता लो हम निकल लगा वोट मांगे तो ये काम करब सन हां व्यवस्था अब करब सन अति हो गल बानी सब भुइया गिर के हम के माटी पाक में हाथ गोर टूटा था सरकार हम के देता रहे ये चीज दवाई बीरो करा के बुढ़ पुरानी आदमी के। तो आप सुन रहे हैं यहाँ के लोगों को काफी परेशानी होता है, जब परेशानी होगा तो नाराजगी जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी ही। लोग भी काफी परेशान है, कहना है कि पहले सड़क नहीं था, गांव के लोग जेसीबी से पहले इतना ऊंचा मिट्टीकरण कराए हैं, अपने चंदा जोड़कर ये कराए हैं जबकि जनप्रतिनिधि इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो आम जनता के लाभ के लिए काम करेंगे लेकिन जो चुन के आते हैं वह सुनते नहीं है। यहाँ पे पूर्व प्रमुख साहब हैं, पूर्व उप प्रमुख साहब हैं फहीम अहमद, इनसे जाना जाए कि समस्याओं का हल कैसे होगा। जितने नेता जीत के आ रहे हैं वो आम जनता के इस समस्याओं को सुन नहीं रहे हैं।
समस्याओं का हल कैसे होगा? देखिए ये विडम्बना है हमारे पंचायत का कि मैंने इसके दोषी तो देखा जाए तो थोड़ा देर के लिए हम भी हैं, हम भी यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन कई बार मेरे द्वारा भी लिख के दिया गया है, योजना को पारित कराया गया है सदन में, उसके बाद भी नहीं बनना, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों का मैंने निराशजनक कार्य है। और उसके बाद से कई मुखिया गढ़ भी यहाँ जीते चुनाव, लेकिन यहाँ के लोग परेशान रहे, सब लोगों से अपील किया गया, सारे जनप्रतिनिधि से, लेकिन अब तक ये रोड नहीं बना था, जो काफ़ी चिंता की बात है। ये लोग कह रहे हैं करीब जब से आज़ादी हुआ है तभी से लोग यहाँ परेशानी झेलते हैं, और पहले तो मन बहुत गड्ढा था, अब तो लोग अपने से शर्मदान करके भर भूर के माटी आने जाने के लायक बनाए हैं। अब हम अगले जनप्रतिनिधि से अपील करेंगे कि लोगों को ईटकरण से जोड़ा जाए, कम से कम पक्की हो जाएगा तो कोई खतरा नहीं होगा, कोई आदमी गिरेगा नहीं। या अभी देखा जाए तो सात नीचे वार्ड भी करा सकते हैं, सात नीचे योजना से हो सकता है, उसके बाद से मुखिया के पास भी फंड होता है, बीडीसी के पास भी होता है, लेकिन ये 50 साल के बीच में बहुत सारे नेता खोता बने, लेकिन आज तक ये काम हुआ नहीं। नहीं, सरकारी पैसे की कमी नहीं है किसी भी फंड में, चाहे पंचायत समिति हो या मुखिया हो या जिला परिषद हो, किसी के पास सरकार के तरफ से फंडिंग की कमी नहीं है। पहले से अभी पहले हम लोग थे तो बहुत नाप तोल के पैसा आया करता था, आज सब मैंने पैसा भरा हुआ है, सिर्फ करना है, लेकिन अब लोग नहीं कर रहे हैं, इसका मुझे काफ़ी दुख है। सही मालूम पूर्व प्रमुख बढ़रिया।